बेहतरीन सना खान जो हैं वो उनमें से सिलेक्ट होते हुए ये बच्चे टॉप थ्री के लेवल पे पहुंचे हैं और लाहौर, जहलम और कराची के नुमाइंदगी कर रहे हैं। सो बाकी शहरों के बच्चे भी थे लेकिन वो बाकी हमारे जो राउंड्स थे उसमें एलिमिनेट हो गए। जनाब आप लोगों को मुझे लगता है नतीजे की बहुत जल्दी है, गाड़ी लेने की बड़ी जल्दी है ना। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी, आज आखिरी नूर मिद्दत का फाइनल राउंड है तो हमारे जो टॉप थ्री हैं वो मिलकर कोई एक कलाम और उसके साथ हमारे तीन ही हमारे बेहतरीन फाइनलिस्ट हैं और तीन ही हमारे जजेज हैं तो छह हो जाएंगे इस तरह से। तो आप लोग मिलके अगर इनके साथ किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत भी गवारा है, जन्नत भी गवारा है मगर दुनिया कातिब तकदीर बस मदीना लिख दे, ताजदारे हरम ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, हो करम ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम, आका ताजदारे हरम हो निगाहे करम, के दिल भी संवर जाएंगे हामिये बेकसा बेकसा, हामिये कसा क्या कहेगा जहां आपके दर से खाली मगर जाएंगे, ताजदारे हरम निगाहे करम, ताजदारे हरम मैं कशो आमदीद नूरे रमजान फाइनल स्टेज पे और हम देखने जा रहे हैं कि कौन हबीब ऑयल मिल्स की तरफ से इस गाड़ी का और इस इनाम का मुस्तहिक है जिसके लिए 28 दिन तक पूरे मुल्क से बेहतरीन सना खान सेलेक्ट किए गए और 28 दिन तक उन्होंने मुख्तलिफ राउंड्स में परफॉर्म किया। टॉप थ्री हमारे सामने। इससे पहले कि मैं फैसले की तरफ आऊँ मैं चाहूँगी बता रही हूँ हमारे देखने वाले एक नज़र डालने के कैसे ये सारे मरहलावार यहाँ तक पहुँचे। मेरा नाम हसन अली अब्बास है और मेरा ताल्लुक जहलम से है। माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा पढ़ा। वेरिएशन की वजह से कुछ जगह पर आप एकदम से कमजोर से हो गए। बहुत अच्छा पढ़ने वाले सना खां हो तुम। जजेस के फैसले के मुताबिक एलिमिनेशन में आप तीनों आज के बाद मेरे मदद का हिस्सा नहीं। उम्मीद नहीं थी कि कॉल आएगी क्योंकि लास्ट में गया था। हल्का सा
पे कमजोर लगा बेटे, बहुत अच्छा पढ़ा। नालायने पाक का एजाज इस दफा जजेस के फैसले के मुताबिक सैयद अनस कादरी के हिस्से में आया। मेरा नाम हसन कमाल पाशा है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। रूए कमर माशाल्लाह हसन, बहुत एतमाद के साथ, बहुत खूबसूरत। तान जब आपने बोला ना, उसका जो नोट था वो थोड़ा सा गिरा हुआ आ रहा था। इनको वाइल्ड कार्ड में रख लेते, यानी आप अनाउंस कर रहे हैं कि हम अनस को वाइल्ड कार्ड एंट्री दे रहे हैं। जी जी, वाइल्ड कार्ड। सो यू आर नॉट एलिमिनेटेड एक्चुअली। बहुत बहुत मुबारक हो, आप तीनों अब टॉप थ्री के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। जब पहला दिन था ना, वो पहले दिन ऑडिशन वाले आप लोगों के शॉर्ट से ने पहचाने ही नहीं जा रहे कि ये वही हसन है, वही अनस है और वही क्या मिद्दत का नूर भी तो आता है ना जी। हाँ। बंदा जो काम है कर रहा है, जिस मोहब्बत से कर रहा है। अब इन तीन, ये तीनों भी चमके हुए हैं, लेकिन आप अपने गेस्ट को देखिए ज्यादा चमक, मदी साहब कितने चमक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन आज जनाब, आज ये मुश्किल अपना जो मुद्दा ना वो अपने ही सर रख रहे हैं, इसलिए फैसला भी जजेस का है, सुनाएंगे भी यही कि कौन एलिमिनेट हुआ। मेरे देखा शॉर्ट्स लगे हुए सारे एलिमिनेशन के, मैं सुना रही जजेस के फैसले के मुताबिक आपने ही। तो फरहान भाई आज आप बताएंगे कि हमने क्या करके जजेस के फैसले के मुताबिक अपना फैसला थोड़ी सुना रहे हैं। हां लेकिन आप वहां भी हमें कोट करती थी। हां लेकिन जहां तो मैं क्या कर रहा हूं, जजेस फैसला जी। अच्छा, अब आपके सामने मेरा ख्याल है एक अदद जी हमने तैयार करके दे दिया है फरहान भाई को। ये रोशनी मौजूद है, ये वाली, ये जिसके हिस्से में आई वो विनर होगा। इस रोशनी का मतलब है ये नूर जिसके हिस्से में आया, कि ये बंदा जो है ये विनर है। ठीक है, अब देखते हैं कि किस पे, जिसे कहते हैं ना हमारे जजेस बत्ती जलाते हैं। अब हम इसके लिए तीनों, अगर आप जरा सामने आ जाए, अब होगा ये कि मैं नाम लूंगी, सिर्फ नाम पुकारूंगी, जजेस के पास फैसला है और उनके पास महफूज है। जिसको वो कमेंट करेंगे, जैसे मैंने बताया गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की मोटर बाइक दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वालों के लिए है। इस वक्त जो क्यूरोसिटी है वो गाड़ी की है कि हबीब ऑयल मिल्स की गाड़ी किसकी है। लेकिन मैं नाम बुलाऊंगी, आप लोग सामने आएंगे, जो सामने आएगा उसको जजेस जो राय देंगे कमेंट, जिसको कमेंट मिला उसका मतलब उसे मोटरसाइकिल की चाबी मिली, जिसको ये लाइट मिली इसका मतलब है कि उसको गाड़ी की चाबी मिली, हबीब ऑयल मिल्स की गाड़ी की चाबी। और इंशाल्लाह नाइन ट्रैवल की तरफ से आज मैं पूरी मैनेजमेंट से मीटिंग करके बात करके इंशाल्लाह आपको बताता हूं। ठीक है, जो आपने रिक्वेस्ट की आपके, और हमें हमारी खुशी होगी कि हम आपको बिल्कुल सही। तो अभी हम सबसे पहले मैं बुलाती हूँ, सीक्वेंस में बुलाऊंगी। ठीक है, हसन कल में काफ़ी इनको हमने बड़े तवज्जो से सुना और काफ़ी खूबसूरत जगह कहीं भी और बहुत सी जगहों पे ये हमें मायूस भी करके गए। जी हसन ने मजमूई तौर पे अच्छा पढ़ा था, लेकिन वो कमज़ोरियाँ जो ज़रूरी होता है देखना, उनका इजहार भी हुआ, तो मिला जुला सिलसिला है। अब ये तो जब अनाउंसमेंट हो गया, क्या बत्ती जलाने लगे हैं क्या आप रोशनी? भाई इन्होंने पढ़ा तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा पढ़ा तो बहुत अच्छा। तो क्या अभी ऑयल मिल्स की गाड़ी? ओ लाइट नहीं जली। फरहान भाई बता दें क्या फैसला है? ये लाइट नहीं जली, क्या करें? इसका मतलब ये फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट नहीं है तो फिर मैं चाहूँगी कि अपने दूसरे एक और सना खान को यहाँ पे बुलाऊँ मोटरसाइकिल। सो अब मैं अपने किसको बुलाऊँ, आप बताइए। सना खान नंबर पे है, हसन किस नंबर पे हैं? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं करें, अभी नहीं करें। ओके, हमें नंबर वन का ज़्यादा इंतजार है कि किसको आप नंबर वन करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा अब किसको बुलाएं,
किस कौन विनर होगा, किसको बुलाएं, कौन जाना चाहता है पहले जजेस के सामने, किसको बुलाएं? सैयद अनस कादरी, लेकिन मेरा हाल है आप भी आ जाइए, आप भी करीब आप भी आए, हसन कमाल पाशा आप भी आए। अब ऐसा करते हैं, अब इन तीनों में आप बताएं, पहले आप हसन के बारे में बताएं, हसन के बारे में क्या फैसला है? हसन अच्छा, मतलब ठीक है, इतना नहीं कह सकते कि आप इसको बहुत ज्यादा, परफॉर्मेंस में बहुत अच्छा था। हाँ। लेकिन इतना गाड़ी कहीं, फरहान भी आपने खुद तो नहीं घर लेके जानी है, इन्हीं में से किसी ने लेके जानी है ना, तीनों में से एक बंदा लेके जाएगा। हां तो फिर बताइए ना, हसन के बारे में बताइए, हसन के बारे में बताइए या अनस के बारे में बताइए। अनस ने पिछली परफॉर्मेंस से बेहतर किया था, क्योंकि पहले इनका गला भी खराब चल रहा था, बड़ी अच्छी वापसी ली इन्होंने, मतलब कुछ कहना चाहते कार्ड के थ्रू अंदर आए तो बड़ी बात है। इस तरह अनस के बारे में, अनस माशाल्लाह बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ही अच्छा है, और पढ़ा भी इन्होंने अच्छा था माशाल्लाह, जो इनकी आखिरी परफॉर्मेंस थी वो अच्छी थी माशाल्लाह, अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब मेरा ख्याल है आप ना, मैं आपके सामने एक सना खान, इस वक्त आपके सामने हसन कमाल पाशा, मुझे बताइए आपने हसन को, हमें बता दिया कि हसन को आपने लाइट नहीं ऑन की, इसका मतलब है विनर आपने हसन को नहीं कहा है। हबीब ऑयल मिल्स की गाड़ी, हबीब ऑयल मिल्स की गाड़ी के लिए हम मुंतजर हैं। अब भाई मैं हमने दोनों के बारे में कमेंट्स दे दी, अनस ने बहुत अच्छा पढ़ा था पिछले, और उससे ज़्यादा अच्छा पढ़ा। अब ये रिज़ल्ट हम सिचुएशनल करते हैं, अब लोगों के एक्सपेक्टेशन में कुछ और होता है, रिज़ल्ट कुछ और आ जाता है, लेकिन बहरहाल लेकिन हसन कमाल पाशा ने बहुत अच्छा पढ़ा था, बस पढ़ा सही, मेरी सही लाइट, मैं अब लाइट जलेगी ये मालूम, ये जजेस क्या राय देंगे ये इनकी। मैं सीरियस कह रहा हूँ हसन कमाल पाशा साहब, आई एम सॉरी कि हम आपने हमने आपको गाड़ी देने में बहुत देर कर दी, हसन कमाल पाशा जीत गए। नालन पाक का एजाज इन तीनों के हिस्से में आएगा, तीनों को नालन पाक जो है वो लगाए जाएंगे, और जाहिर है ये बहुत बड़ा एजाज है। किस किस की फैमिली आई हुई है साथ, आप दोनों विनर भी हैं ना, तो आपकी फैमिली आई हुई कौन कौन है साथ माशाल्लाह? अच्छा ये दोनों बुजुर्ग कौन है आप? ये मेरे बेटे हैं हसन कमाल पाशा, बेटे हैं। अच्छा ये मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो आप पहले सना खान है क्या फैमिली में कि और भी हैं? जी मुबारक हसन, पहले सना खान है फैमिली में कि कोई और भी है इनके अलावा? जी मैं पढ़ता हूँ, मेरा बेटा पढ़ता है। आप भी पढ़ते हैं? जी माशाल्लाह, वेरी गुड। तो थोड़ा सा कुछ आप भी फिर अगर हमें सुना दें हसन, हसन के वाले पंजाबी का एक शेर है वो नाथ खानों के लिए है, कयामत में हाथ हसन की वालदा है, हसन की वालदा है माशाल्लाह। अच्छा वाह, तो आपको तो
आपको तो हसन को गले लगा के मिलना चाहिए ना यहाँ पे आके। ये उनकी बहन है, आइए आप भी आइए। सो बहुत बहुत मुबारक हो आप पूरी फैमिली को कि आपके जो बेटे हैं वो इस वक्त नंबर वन सना खान। सेकंड कौन आया? सेकंड आने का फैसला किसका है? हसन अली अब्बास। हसन अली अब्बास हिस्से में आएगा और उसके साथ साथ गोल्डन पर्ल कॉस्मेटिक्स की तरफ से ये जनाब मोटरसाइकिल आपकी जिस पे आप जाएंगे जेलम, ठीक है? बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी तो ख्वाहिश थी कि गाड़ी जो है वो कराची तक जाती, मगर तीसरे नंबर पे आए हैं सैयद अनस कादरी। सो अनस के हिस्से में भी नालाने पाक का एजाज आएगा और उसके साथ साथ मुबारक हो, बहुत सारी तालियां तीनों के लिए। बहुत बहुत मुबारक हो हमारे तीनों फाइनलिस्ट को। थोड़े थोड़े पॉइंट से आप लोग ऊपर नीचे हुए हैं लेकिन तीनों बहुत उम्दा सना खान है। मैं चाहूंगी आपके बेहतरीन सना खान हैं और आप लोग भी मौजूद हैं, कुछ आप इरशाद फरमाइए ताकि फिर हम ब्रेक की तरफ जाएं। अपने नौकर का मेरे नबी ने मर्तबा इस तरह है बढ़ाया, दुनिया भर में जहाँ भी गया मैं मुझको दुनिया ने सर पे उठाया। झुक के मिलती है, झुक के मिलती है मुझसे ये दुनिया, नौकरी की ये उजरत मिली है। तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हसी जाकरी है, सब बोले मुस्तफा की जो ये नौकरी है। माशाल्लाह तबारकअल्लाह। समझता हूँ मदीना इसे याद आता है। खुश आमदीद नूरे रमजान ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं और अब वक्त है कि आप लोग जल्दी जल्दी अपनी फरमाइशें बताएं और हम उसे फरहान भाई और शहजाद मदनी साहब जो है वो पूरी करें। कौन सा कलाम सुनना चाह रहे हैं? सबसे पहले उस बच्चे ने हाथ खड़ा किया हुआ है, कशी जामे शरी का तोहफा भी इन्हें फौरन दे और उसके बाद जी फरहान भाई मैं आपसे अली वाले सुनना चाहता हूँ। अली वाले बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा जी इसके अलावा इधर और कौन आप क्या क्या फरमाइश करना चाह रही है? काश मैं दौरे पैंबर में उठाया जाता, बिल्कुल सही। इनको भी दे बेहतरीन मशरूब जामे शरी का तोहफा। यहाँ पे और कौन है जी इनसे पूछेगा, इनसे जी क्या सुनना चाह रहे हैं? जमीन से लेके आसमां तक के झंडे गड़े हुए हैं। जमीन से लेकर अच्छी से भी पूछिए बाजी। अली वाले जहाँ इनको आइडियोनिक के गिफ्ट टेम्पर दें प्यारी सी बच्ची को जिससे की पिंक ब्लैक दुपट्टा उड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी पेंटिंग है। तो ये मैं लाहौर से हूँ। अच्छा तो अच्छा वाह माशाल्लाह। अरे वाह माइक दीजिए इनको। आपका नाम क्या है? शहजाद रुस्तम। शहजाद रुस्तम साहब आप हमारे लिए ये पेंटिंग लेकर आए, इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। ये आपने खुद अपने हाथों से बनाया? माशाल्लाह। जॉब करता हूँ, ये पार्ट टाइम मेरा जो है ना एक पैशन है, मेरा शौक है।
बहुत मैंने आप लोगों की टीम के लिए ये सोचा हुआ था कि मैं बनाऊं। अल्लाह आपकी सलाहियत में आपके लिए ये मैंने डिजाइन की है। बहुत शुक्रिया। तो ये मेरी तरफ से आपको इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। और हमारी तरफ से आप लेके जाएंगे आइडियोनिक का और कशी जामेश्वरी का तोहफा। थैंक यू सो मच, मेहरबानी, आपके प्यार का, आपकी किदत का शुक्रिया। काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, काश में दौर पयंबर में उठाया जाता, बखुदा कदम सरकार के पाया जाता। हाथ उठाकर बोले सारे, काश में दो, किस किस का दिल चाहता है माशाल्लाह, में उठाया के मदीना में मिलाया। फिर बोले एक बार, काश में और वक्त कम है, अब मैं आखिर में एक कलाम बस और पढ़ रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह आगे भी फरमाइशें पूरी करेंगे। फकीरों का भी क्या चाहिए जहाँ बस्ती बसा बैठे, अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत। आहा, कोई मौसम कोई भी वक्त कोई भी इलाका हो जहाँ जिक्रे वहाँ दीवाने आया। बल्कि मैं यह ऐलान भी करता चलूँ, जब मौला अली का जिक्र आया, इंशाल्लाह अरबईन पर इमाम हुसैन के चेहलों पर हम इंशाल्लाह जाएंगे नजफ से करबला पैदल चलते हुए, जिसमें मैं खुद भी होऊंगा। ये हमारा जो लोगो है, 99 नुमेरिक अदद है, जिस तरह 786 बिस्मिल्लाह का अदद होता है, या मोहम्मद का अदद है 92, या अली मदद 110, या अब्बास 133, इस तरह 9 जो अदद है ये अदद है बीबी सैयद का, बड़ा लकी नंबर होता है ये, बहुत बहुत लकी नंबर होता है। इसी से हमारा 9 ट्रैवल मंसूब है, और इंशाल्लाह जो रब्ता करना चाहें हमारे फेसबुक पर 9 ट्रैवल के पेज पर जाकर 9 ट्रैवल एंटर्स के पेज पर रब्ता कर सकते हैं। कोई कैद नहीं है, शिया हो सुन्नी हो, अरे कोई भी हो, हिंदू हो सिख हो ईसाई हो, सब करबला जा सकते हैं। आइए मिलकर फिर पढ़ते हैं, अली वाले बैठे वही जन्नत बना। और फिर हम उम्रे पे भी जाएंगे, उम्रे पे भी जाएंगे। शहजाद मंदी साहब जरा आइए, इन सब की तैयारी कराते हैं उम्रे की, 9 ट्रेवल के साथ भी जब जाएंगे तो हाथ उठाकर। तैयारियां जिसने मदीने जाना कर लो, तैयारियां जिसने मदीने जाना कर लो, तैयारियां ऐसी तैयबा की गलियां जैसे सोने की लड़ियां, ऐसी तैयबा की गलियां जैसे सोने की लड़ियां, हाथों से चूमेंगे हम सोने की जालियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना। आज राके सारा बोले मिलकर, किस मदीने जाना कर, किस मदीने जाना कर लो तैयारियां। अभी जिसके हाथ नीचे नहीं जिसके हाथ नीचे हैं, मदीना नहीं जाना, जाना है ना तो बोले, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो तैयारियां, जिसने मदीने जाना कर लो الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا
اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جناب نور رمضان ٹرانسمیشن کا اپنے اختتام کے قریب پہنچنا اور آپ سے اجازت لینے کا مرحلہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، لیکن آج پھر ایک تاک رات ہے. دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، ہماری کمیوں کوتاہیوں ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرمائے اور جہنم کی آگ سے نجات دے، آمین. اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل کی افطار ٹرانسمیشن میں، اور سحری ٹرانسمیشن میں آپ ملیں گے فرحان بھائی سے، جو اب ایک خوبصورت کلام ہمیں سنائیں گے. اور پھر اس وقت تک کے لیے، کل کی ملاقات تک کے لیے، اللہ حافظ. اور کلام میں نہیں، ہم سب سنائیں گے. ٹھیک، مل کے پڑھیں گے، مل کے پڑھیں گے. ہماری طرف سے یہ بھی ایک عبادت ہے نا. بالکل بالکل. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، تو کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، لو کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، 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 پھر کرم ہو گیا. میں مدینے چلا، پھر کرم ہو گیا. مدینے کون کون مدینے جانا چاہتا ہے، ذرا ہاتھ اٹھا کر بولے. میں مدینے چلا، 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 میں مدینے چلا. میرے گندے قدم اور ان کا حرم، میرے گندے قدم اور ان کا حرم، لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا، لاج رکھنا خدا. میں مدینے چلا، میں مدینے چلا، میں مدینے
کرم ہو گیا میں مدینے چلا جو ہم کو فرشتوں نے بتایا ہے میری قسمت سے نازا ہے مقدر ساتھ دنیا کے میرے سرکار نے مجھے تن اپنے بلایا ہے میں مدینے چلا میں مدینے چلا کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا پھر کرم ہو گیا میں مدینے چلا گنبد سبز پر جب پڑے گی نظر کیا سوچ